कल एक बात आपको निवेदन किया था, सेवक जब अपने नाक की मर्यादा की रक्षा करने लगेगा तो स्वामी की मर्यादा ध्वस्त होती। सेवक है ना, जो तुम्हारे अनुशासन पामू तो कंदुक जीव ब्रह्मांड थामू, कांचे घट जिमीदारों भोरी, सकु मेरु मूलक जिम थोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिता के पुराना। अरे तोरम छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बल, अपने भरोसे नहीं तब प्रताप बल। भगवान बोले जब मेरे भरोसे करना है तो सिट डाउन प्लीज, बैठो। देखता हूं अब ये उत्सव चल ही रहा था, लक्ष्मण जी भगवान गुरुदेव भगवान के बाम तरफ बैठे थे, भगवान ने बुलाकर उनको अपने बगल में बिठाया। इतने में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी को वाक्यान दिया, विश्वामित्र समय शुभ जान, बोले अति स्नेहमय उठहु राम भंजहु खड़े हुए, गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में दंडवत किए, ठाड़ भये उठी सहज सहज सवार, कुछ नहीं कोई नहीं किया, मैं कर रहा हूं इसका कोई अभिमान नहीं, सहज सवार। बाबा ने देखा उदित उदय अग्रि मंच पर रघुबर बाल बिकसे संत सरोज सब हर से लो, जो साधु भाविक लोग विराजमान थे, बाल सूर्य की दिव्य रश्मियों का दर्शन करके उनके नेत्र खिल गए, कमल नयन खिल गए, आनंदित हो गए। देखिए यहां एक उपमा उपमेय विशेषण अन्य भाव है, कभी भी कोई आनंद का प्रसंग जीवन में आए तो उसी से बताएं जो आपके आनंद से भी दस गुना अधिक आनंदित हो। अब ऐसों को न बताएं कि आपके आनंद को सुनकर हाँ हाँ होता है कौन सी बड़ी बात है, नहीं, आनंद दस गुना बढ़ना चाहिए, सैकड़ों गुना बढ़ना चाहिए। बच्चे खेल कर पूछा, बच्चे कागज पर कोई आम बनाता है, कोई इमली बनाता है, कोई फूल बनाता है, तो बच्चे जिस भाव से बनाते हैं यदि आपको दिखाएं तो कितना भी व्यस्त हैं आप अपने भांट सांप पर, लेकिन बच्चे बनाएं तो
सब फेंको और उनको प्रशंसित करो, वाह वाह क्या बात आपने, इतना सुंदर तो मैंने भी कभी नहीं बनाया। बच्चे आनंदित हो जाते हैं कोई भी कुछ बनाए हो। अच्छा, लोगों का बड़ा अच्छा स्वभाव है कि निंदा करने को तो अभ्यस्त हैं, प्रशंसा बनती नहीं है, बनती नहीं है, कुछ भी कर दो हाँ हाँ होता है। तुमने कभी किया है क्या? प्रशंसित करने का अभ्यास हो, और प्रशंसित करने से उत्साह बढ़ता है। कोई कहे हम ऐसा करेंगे, हाँ बेटा करो, करना चाहिए, आगे बढ़ो, ऊर्ध्वगमन करो, होता है ना। आप देखे होंगे 10 वर्ष पूर्व हम अपने देश को ऐसा मानते थे, हम लोग तो जब अमेरिका कथा करने गए 3-4 बार जाते थे तो लोग समझते तो कुछ है ही नहीं है, परंतु जैसे जैसे हमारे देश की गति बढ़ी, विकास बढ़ता चला गया, और सड़कों का तो इंफ्रा इतना अद्भुत बढ़ गया है, नगरों का सुंदरीकरण, तीर्थों का सौंदर्यीकरण इतना तेजी से चल रहा है, वहाँ जब कोई जाते या वहाँ से टेलीफोन आते हैं तो लोग कहते हैं अब तो भारत लगता है नए कलेवर में उपस्थित हो गया है। अरे होगा ही क्यों नहीं होगा, यदि कोई करने वाला होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये उत्साह हम करते हैं, दूसरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है।